आप आपस में नहीं उलझने की कोशिश करें, हमें बीच में लाइए, हम उनका बेहतरीन तरीके से जो भी कार्यक्रम है नियम संबंध सब करें। शहर में इससे बेहतर व्यवस्था देंगे हम, और जो मानसिकता लोगों में हो जाती है कई बार उनको बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो वो एक नई मानसिकता, उस सारे प्रोटेक्शन को हमने खत्म कर दिया है। कानून सम्मत जितनी भी कार्रवाई है, जितनी भी, वो सब करूँ और मेरी टीम करेगी। एक दिन पुलिस के विरोध में प्रदर्शन, तो दूसरे दिन पुलिस जिंदाबाद के नारे। जी हां, राजसमंद पुलिस ने बीते दो दिनों में दो ऐसे दृश्य देखे जहां कल राजनगर पुलिस कोतवाली के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखाई देता है, विरोध प्रदर्शन नजर आता है, और आज उन्हीं सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग खड़े होते हैं और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे गूंजते सुनाई देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पूरा प्रकरण घटित हुआ, उस प्रकरण तक पहुँचेंगे, मगर उससे पहले जो एक वादा इस पुलिस कोतवाली में, इस पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया था, लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि बहुत एक कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, वो वादा आज सड़कों पर साकार होता दिखाई दिया, जहां महत्वपूर्ण भूमिका में इस क्षेत्र के DYSP विवेक सिंह राव नजर आए, जो कि इस थाना के पहले इंचार्ज भी रह चुके हैं, यहाँ की बारीकियों को जानते हैं, इस क्षेत्र को समझते हैं। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कल लोगों में ये विश्वास जगाने की कोशिश की थी कि बहुत जल्द हम अपराधियों तक पहुँचेंगे, और ना केवल पहुँचेंगे, एक कड़ा और बड़ा मैसेज भी देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। वो कोशिश भी आज यहाँ धरातल पर साकार होती दिखाई दी। साथ ही SC ST सेल के DYSP राहुल जोशी भी जांच से लेकर अनुसंधान तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखाई देते हैं। तो राजनगर थानाधिकारी योगेश चौहान और कांकरोली थानाधिकारी हनुमंत सिंह, यह भी कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इन अपराधियों तक पहुँचने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते दिखाई देते हैं। और ये जो पूरा पूरा प्रकरण है, जिसमें कि दो दिन पहले एक घटनाक्रम राजनगर में घटित होता है, जहां पर दो युवकों हमले में घायल हो जाते हैं, कृष्णा और राहुल पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार आक्रोश देखा जाता है। इस घटनाक्रम को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी नजर आती है। पुलिस स्टेशन के सामने काफ़ी देर तक गहमा गहमी का माहौल रहता है। कल पूरे दिन भी लगभग हालात ऐसे ही रहते हैं, मगर शाम होते होते जिला पुलिस अधीक्षक का वो वादा यहाँ साकार होता दिखाई देता है, जब वो कहते हैं कि मैं इनको बहुत जल्दी पुलिस की सलाखों तक लेकर आऊँगा, हिरासत में होंगे। कल शाम होते होते उस पूरे प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हिरासत में ले लिया जाता है, और उसके बाद आज उन तीनों आरोपियों को, जिनके नाम कालू खान, दूसरा आसिफ अली और तीसरा बिलाल, ये तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ से उनको 30 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड में सौंप दिया जाता है। और उसके बाद जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, उसको साकार होते आज राजसमंद की सड़कें साक्षी बनती है। राजसमंद की सड़क किनारे खड़े लोग उस एक ध्येय, उस एक सूत्र को साकार होते हुए देखते हैं, जब इस सड़क मार्ग पर उन अपराधियों के साथ तीन दूसरे अपराधी जो इस प्रकरण में हिरासत में लिए गए हैं, कुल 6 आरोपियों को इस सड़क मार्ग से पैदल मार्च के माध्यम से राजनगर फुहारा चौक लेकर जाया जाता है। और जो मैंने शुरुआत जहां से की थी, इस पूरी यात्रा के दौर में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह लोग खड़े होते हैं और पुलिस की जय जयकार जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई देते हैं। ठीक है, राजसमंद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पूरे घटनाक्रम के बाद कल देर रात होते होते आरोपी पुलिस की हिरासत में थे, आज तमाम कानूनी कवायदे कानूनी कसरतें होती दिखाई दी, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश यह भी नज़र आई कि जो एक आम जन में विश्वास होना चाहिए, जो एक अपराधियों में भय होना चाहिए, उस एक संदेश को भी इन सड़कों के माध्यम से, उस पैदल मार्च के माध्यम से पुलिस अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से राजसमंद की जनता के सामने रखती दिखाई दी। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।